हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर ओस्लो नॉर्वे से, और आज भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ। तो आप सब ने देखा होगा, तो मैं पूरे देशवासियों को, पूरे भारतीयों को जो है गणतंत्र दिवस की, 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप बड़े झील के साथ जो ये गणतंत्र दिवस का समारोह है उसमें शामिल हो रहे होंगे। और उसके अलावा ये आज का ब्लॉग, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट जैसा कि ये गणतंत्र दिवस पर ये ब्लॉग आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आप सबको, पूरे देशवासियों को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये छोटा सा ए बी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैंने बनाया है इसके साथ में अपना रेगुलर ब्लॉग। चलिए आप ब्लॉग का एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। में त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक बेहतरीन नए ब्लॉग की शुरुआत। और सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के लोगों को राम मंदिर के मूर्ति स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे इंडिया का, और अयोध्या में काफ़ी आज चीज़ें हुई हैं। मंदिर की ओपनिंग हुई, रामलला की बचपन की मूर्ति जो है वो स्थापित हुई, और वहाँ पे काफ़ी वीआईपी मूवमेंट था। जो है मुंबई से काफ़ी एक्टर्स आए हुए थे, पूरे देश के जो जाने माने लोग थे वो सारे वहाँ पहुँचे। और तो इसी उपलक्ष में आज पूरे दुनिया में इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो हम लोग भी नॉर्वे में जा रहे हैं, अभी एक सुंदरकांड का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है एक जगह पे, वो है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद। तो उन्होंने एक छोटा सा इवेंट इस खुशी में रखा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और मेरे साथ है टीकाराम जोशी जी, ये भी जो है गढ़वाल से हैं, और हम लोग साथ में जा रहे हैं। और मेरे साथ और है एक युवा, नाम भी बता दो, विक्की जो है, विक्की हमारे साथ है जी। अभी इंडिया से आया हुआ, कितना एक साल हो गया इसको, छः महीने इनको हुए हैं इंडिया से आए हुए। और ये वहाँ से 10+2 करके आया है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में करेगा, बट उससे पहले एक साल का जो है लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है, और फिर जाके इनको यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, या जो भी नेक्स्ट क्लास है उसमें एडमिशन मिलता है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ BHP के उस फंक्शन में, और देखते हैं वहाँ क्या धमाल होता है। वैसे तो सुंदरकांड का पार्ट है और काफ़ी लोग आएंगे, गेट टुगेदर होगी, पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी जो है इस तरह के जो बड़े सेलिब्रेशन हैं, जो इंडिया के जो ऐसे बड़े मोमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनको बराबर उसी तरीके से सेलिब्रेट यहाँ पर भी किया जाता है जैसे इंडिया में हो रहा है। तो इंडिया जैसे अभी भगवा पूरा रंग से रंगा हुआ है, और अयोध्या में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, पूरे दुनिया भर से कई लोग गए हैं, इंडिया के तो हैं ही हैं, तो यहाँ पर भी बल्कि दुनिया के हर देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है, और अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। तो जैसे कि नॉर्वे में भी 4-5 जगह ये सेलिब्रेट हुआ है अलग अलग तरीके से। तो मुझे मौका मिला सिर्फ एक जगह आज ही जाने का, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर सुंदरकांड का पार्ट होगा, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। Jai Ram Ki Jai, Ram Ram Ki Jai, Ram Ram Ki Jai, Jai Ram Ki Jai।
जी व्यूअर्स, एक नए दिन की शुरुआत और ब्लॉग को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैं बीएचपी के सुंदर कांड के कार्यक्रम में गया, थोड़ा सा उसका डिटेल है इसमें। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है, देखो बाहर का माहौल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब यहाँ पर जो ये ओम तिवारी को छोड़ना पड़ेगा आज, क्योंकि ओम तिवारी की सिचुएशन ये है कि बहुत फिसलने वाला हो गया। आप देखें रास्ता कैसा हो रखा है एकदम। तो अभी टैक्सी बुलाई है और ओम को उसके स्कूल छोड़ के आऊँगा, और स्कूल छोड़ने के बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है। चल ओम चल, वो सामने ही होगा, चल। आजा इस तरफ आ। तो ओम की गाड़ी आ गई है भाई, और अब हम जा रहे हैं ओम के स्कूल उसको छोड़ने के लिए। ओम आ जल्दी आना, आगे कम फास्ट। ये देखो जी ओम तिवारी एकदम जा रहे हैं और आगे टैक्सी आ गई है। ओम इधर से आ जाता, इधर से आ जा, आ जा, चल बैठ। हाय हाय, चलो हाँ। त्रिभुवन, यस, मंगलुरु स्कूल, मंगलुरु स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल दैट।